नमस्कार प्रिय साथियों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हमारे चैनल एस्ट्रो अभि चतुर्वेदी में आप सभी का स्वागत है। मैं अभिषेक चौबे आज आपको बताने वाला हूँ कुंभ राशि के जातकों को, कुंभ राशि मतलब जिनका साक्षर से नाम हो या गो से हो, जैसे कि मान लो गोविंद हो गया, इनसे अगर नाम है तो इनको अपने बस में कैसे करें। जैसे कि अगर इंग्लिश के वर्ड में हम बात करें तो एस हो गया, ठीक है। इनसे अगर नाम किसी का आ रहा है तो उन लोगों को अपने वश में करने के लिए हम आपको एक उपाय बता दे रहे हैं। अगर आप लव लाइफ में हैं, अगर आप पार्टनरशिप में हैं, या फिर आपका फ्रेंड सर्कल में कहीं हैं, ये लोग आपसे गुस्सा हो गए हैं, या आप चाहते हैं कि जीवन भर आपके साथ रहें, तो आपको ऐसा क्या करना चाहिए। देखिएगा, ये जो हम जानकारी दे रहे हैं ज्योतिष के अनुसार दे रहे हैं। और आप अगर किसी के साथ लव में हैं और आपका ब्रेकअप की स्थिति आपको नज़र आ रही है, तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं। आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग बता दिया जाएगा कब और कैसे आपका ब्रेकअप होगा, आपको कैसे बचना चाहिए ब्रेकअप से, किस ग्रह का आपको उपाय करना चाहिए, वो चीज़ जानने के लिए आप हमें पर्सनली ही संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा, हम बात कर लेते हैं वो कौन सा उपाय है जिससे कुंभ राशि वाले जातकों को अपने बस में हमेशा करके रखें। एक चीज़ नोट करना, हमेशा कुंभ राशि के जातक चाहते हैं कि आप उनकी हमेशा बात मानें। आप अगर उनकी हमेशा बात मानते रहेंगे, आप उनके साथ चीट नहीं करेंगे, तो वो आपके साथ हमेशा रहेंगे, ठीक है। ये तो कॉमन सी बात हमने आपको बता दी है। अगर आप इनके साथ धोखा करोगे, इनकी बात का पालन नहीं करोगे, मतलब मानोगे नहीं, तो 110% ये आपको छोड़ देंगे, ठीक है। तो धोखा विशेषकर आपको कुंभ राशि के साथ नहीं करना है। आपको एक उपाय करना है जो कि उपाय अति उत्तम है, बहुत ही अच्छा उपाय है। ये लोग क्या है, सत्य पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। इनके सामने आप झूठ मत बोलो, आप इन्हें सत्य बताओ, जो चीज़ है सत्य बताओ। सत्य अगर आप बोल रहे हो तो अति उत्तम है। इनके सामने आप दिखावा भी मत कीजिए। कुंभ राशि के लोग दिखावा ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, ये सादा सिंपल रहने वाले लोग होते हैं। इनके लिए आपको उपाय, आपको सोमवार को सुबह जल्दी जाग के स्नान करके आप एक मतलब पात्र में, तांबे के पात्र में नहीं, किसी अन्य पात्र में आप थोड़ा सा दूध लें, गाय का अगर दूध मिल जाए अति उत्तम है, उसमें आप जल मिला लें, ठीक है। समथिंग आधा लोटा अगर जल मिल, वो मिल जाए आपको गाय का दूध, अति उत्तम रहेगा। गंगा जल अगर है तो भी ठीक है, नहीं है तो नॉर्मल जल आप मिला सकते हो, ठीक है, शुद्ध जल मिला के। और अपने घर से एक आप काली मिर्च लेके जाइए, ठीक है। सबसे पहले आप भोलेनाथ जी का अभिषेक कीजिए, जल से जो आप लेके गए थे जल और दुख, उससे अभिषेक करवाइए भोलेनाथ जी का। जब आप अभिषेक करवाएं तब आपके मन में ओनली राम 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 मन में चलना चाहिए, ठीक है, राम 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 ऐसे, ओके, ऐसा चलते रहना चाहिए कंटिन्यू। और आप जिस व्यक्ति को चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ से कभी ना जाए, ठीक है, मतलब कुंभ राशि वाले दर्शकों के लिए हम विशेष बता रहे हैं, जो उनको बस में करना चाहते हैं कुंभ राशि वालों को, उनका चलता रहे दिमाग में। सेकंड नंबर, जब आपका अभिषेक हो जाए संपन्न, उसके बाद आप जो काली मिर्च लाए हो उस काली मिर्च को चढ़ा दीजिए। जब आप चढ़ाएं तो उस व्यक्ति का चेहरा आपके दिमाग में मतलब आँखों में चलना चाहिए, निगाहों में होना चाहिए उस व्यक्ति का, कि वो व्यक्ति आपकी लाइफ में रहे, और अगर चला भी गया है तो वो व्यक्ति आपकी लाइफ में रिटर्न आ जाए, ठीक है, ऐसा आपको करना है। देखो, ये जो जानकारी हम दे रहे हैं ये ज्योतिष के अनुसार दे रहे हैं, लेकिन अगर आप अपनी कुंडली के अनुसार जानना चाहो कि कब व्यक्ति आपकी लाइफ में आपका प्रेम आएगा, या फिर आप क्यों मतलब अलग नहीं होना चाहते हैं, अगर हो गए हैं तो क्यों हुए हैं, और नहीं होना चाहते तो उसके लिए भी आप ज्योतिष के अनुसार अपनी कुंडली के अनुसार उपाय जान सकते हो, ठीक है। कुंडली में अगर आपका पंचम भाव पीड़ित होगा तो आप कितना ही अपने प्रेम को बचाने की कोशिश कर लेना, आपका प्रेम बचेगा नहीं। या फिर अष्टम भाव पे राहु की दृष्टि पड़ रही हो तब भी मुश्किल पड़ जाएगा आपको, ठीक है। तो आपको शिवलिंग पे काली मिर्च चढ़ाना है, वो जब आप चढ़ाएं तब आपके अंदर उस व्यक्ति का चेहरा फोटो चलना चाहिए आपकी निगाहों में, ठीक है। ऐसा करके चढ़ा के आप वहाँ पर 5 मिनट बैठ जाइए, शिवलिंग के बगल से अगर आप बैठ जाएं तो अति उत्तम रहेगा, मतलब कि मंदिर के पास आई में, ठीक है। वहाँ पर बैठ के आप अपने मन में राम राम का जाप करें, ठीक है। सेकेंड नंबर, भोलेनाथ से ऐसी प्रार्थना करें कि वो व्यक्ति आपकी लाइफ से रिटर्न ना जाए, आप अपने घर पे आ जाइए, अपने स्वभाव को थोड़ा सा सौम्य कर लीजिए,
वो व्यक्ति जो कहे उस बात को मान लीजिएगा। ये लोग प्रेम के बड़े भूखे होते हैं, अगर आप इन्हें प्रेम से समझाओगे तो ये आपकी कोई भी बात मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप प्रेम से इनसे बात करना, ये आपसे बात करने लग जाएंगे और आपकी लाइफ में हमेशा के लिए रहेंगे, ठीक है। चलिएगा, आज हम आपको इतना ही बताएंगे। अगर आप अपनी कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।